बाबा जी की। जय भोलेनाथ भैया, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। आपका नंबर यूट्यूब से लिया हूँ। हाँ जी मैं ये श्रीखंड कैलाश का यात्रा करना के लिए प्लान कर रहा हूँ भैया, जून 28 को। हाँ जून 28 को श्रीखंड महादेव जी का। अकेले या ग्रुप है आपके साथ? एक्चुअली इधर ऐसे ही यूट्यूब में और एक नंबर मिला था गाइड का। एक ऐसे ही यूट्यूब यूट्यूब में वीडियो बना के वो गाइड को लेके गया था, वो गाइड का नंबर डाला था, उसको फोन किया था मैं। ठीक है, जून 15 तो एक बैच जा रहा है, जून 20 को एक बैच है, वो बैच में तुम आ जा सकते हो बोल के उन्होंने बोला था। कितना पेमेंट बोला आपको उन्होंने उन्होंने? पूरा खाना पीना और वो सब वही देख लेता, और पूरा गाइड वो सब चार्जेस मिला के 15,000 बोला था। अरे भैया मत पढ़ना चक्कर में ना यार, लोगों को लूट रहे हैं, यही इसलिए मैंने पूछा आपको ना। 25-25 हजार, 15-15 हजार रुपए श्रीखंड महादेव की यात्रा का, भगवान की सेवा कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे लोग हैं ये। मुझे भी सुनने में आया था, मेरे पास 2-3 कॉल आए हैं, अभी बंदा है कौन पता नहीं। आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब कितने लोग आ रहे हैं? मैं सोलो है भैया सोलो है ना, कोई टेंशन मत लीजिए। आप श्रीखंड महादेव की यात्रा आपकी, आप मत पढ़ना चक्कर में, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, ठीक है? ठीक है। हाँ और हमारा भी प्लान है, हमारी जो संस्था है ना, हमारा नंबर जो आपको हमारे बारे में पता नहीं होगा, हम एक एनजीओ चलाते हैं ओके और भैया। हम अमरनाथ जी यात्रा, श्रीखंड यात्रा तो नहीं, अमरनाथ जी यात्रा, माता वैष्णो देवी, ये सब यात्रा है। अभी श्रीखंड मैंने पिछली बार किया था तो वहां का मैं हाँ पूरा कवर करके लाया हूँ। तो मेरे ग्रुप का भी अभी कोई नहीं गया है, तो मैं भी एक ग्रुप लेके जाऊंगा अपने ग्रुप के बंदों के साथ, तो आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो ओके जाना, चल पड़ना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 हजार रुपये खर्चा नहीं होगा आपका, मुश्किल से 5-6 हजार रुपये में पूरी यात्रा हो जाएगी। ठीक है भाई। कौन सा पाँच डेट छह हजार भी अब आपका ज्यादा है? है? हाँ डेट कौन सा जा रहा है भैया? डेट अभी, डेट तो अभी आया ही नहीं है, जब डेट आएगा ना जब ही मैं बताऊंगा आपको ना। पर ये मान लीजिए आप अभी जून जुलाई, जुलाई के ना, जुलाई में मतलब 15-16 तारीख के बाद ही शुरू होगा यात्रा। अच्छा। हाँ तो अभी डेट आया नहीं है और अभी जाके कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि जो अभी जुलाई के 15-16 तारीख, पिछली बार भी मैं क्या था तो मैं कितना 11-12 जुलाई को गया था मैं। तो आपको वहां से कैसे, बाई ट्रेन आना है कैसे आना है? इधर से ट्रेन भैया, मैं इधर से। हाँ तो ट्रेन आके आपको मैं बता दूंगा, शिमला तक पहुंचना है आपको ना, दिल्ली आके, दिल्ली से बस करके और वहां से फिर वहां से आपको हम ज्वाइन कर लेंगे, या कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं आपको ऐसे ही बंदे का नंबर दूंगा जो पोर्टर है, अच्छा उसको पर डे का आपने सिर्फ 700 रुपये देना है, तो 2 दिन का 1400 रुपया हो गया ओके। और बाकी पूरी यात्रा का बाकी आपको सिंगल ले आएगा, कोई टेंशन नहीं है। खाने पीने का खर्चा आपका कितना होगा, मुश्किल से 1000 रुपये खर्चा होगा, जब भी आपकी 2000 में यात्रा हो जाएगी, ठीक है? ठीक इस पैकेज के कर मत पड़ना भैया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं आपको 15 हजार रुपये किस चीज का, आपने पूछा उससे 15 हजार रुपये किस चीज का मांग रहा है? है। हाँ मैं पूछा भैया वो क्या पूरा जान चले जाता, आप मैं रिस्क लेता हूँ पूरा, मैं लेता ऐसा बोला भैया। हाँ हो, तुम्हारा जान जाने वाला होगा तो बचा लेगा तुम्हारा जान, मतलब वो है। अरे बोला कैसी बात भैया करते हैं, ऐसा। नहीं नहीं ऐसे चक्कर में मत हाँ पड़ना, मैं ये वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, काफी सारे लोग परेशान हो रहे हैं। और पता है लास्ट टाइम ठीक मैंने है। देखा ये साउथ के लोग बड़े मोटे मोटे पैकेज लेके आते हैं, 25-25 हजार रुपए का पैकेज, और बाद में ना उनको पोर्टर हाँ मिलता है, वो टेंट में रो रहे थे बैठ के वहां पे कि हमने पैकेज हाँ लिया, अब हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेला है, हम क्या करेगा अकेला है। तो पता होना चाहिए ना, इतनी जल्दी मत किया करो आप ना, कम से कम देख ठीक लिया करो है। कोई सही बंदा क्या है, उसका फीडबैक क्या है, पहले उसने क्या किया है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक बार यात्रा करके अपने वीडियो बना के डाल देंगे, हाँ थोड़ा डिटेल मालूम करने के बाद ही आप किया करो ना, ठीक है? अगर ठीक है अकेले हो कोई भैया। बात नहीं, अगर और कोई होंगे तो बता देना, मैं पूरा एक ग्रुप बना के, नहीं कोई नहीं चला तो मैं आपके साथ चल दूंगा, ठीक है? क्योंकि ठीक है भैया। मेरा मन है जाने का, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे जान जाने का खतरा है वो, ठीक है यात्रा मुश्किल है लेकिन सब पड़ाव बने हुए हैं और मैं तो यहाँ का लोकल ही हूँ हिमाचल का, तो वो इतनी ऐसी दिक्कत ठीक नहीं है, है ठीक है? ठीक है। और ये किन्नर कैलाश भी कब स्टार्ट होता भैया? किन्नर कैलाश भी उसी टाइम स्टार्ट होता है, दोनों सेम सेम ही टाइम है टाइम पे भैया। स्टार्ट होते हैं। हाँ अच्छा श्रीखंड अच्छा पहले शुरू अच्छा होता है, किन्नर कैलाश थोड़ा बाद में शुरू होता है, 2 साल से यात्रा हुई नहीं है। मैं दोनों ही 2019 में करके आया था, 18 में और 19 में, दोनों हाँ यात्राएं। वो मैं वीडियो देखा था भैया। हाँ मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा, तो मेरा थोड़ा जा रहा है, हमारे ग्रुप में भी काफी लोगों का जाने का मन है। जब भी आपका कभी हिमाचल इधर का घूमने का प्लान हो ना, श्रीनगर जम्मू वगैरह तो कहीं का भी, तो आप मुझसे गाइड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? डेफिनेटली भैया। इतना थैंक पैसा यू। खर्च करने की जरूरत नहीं, ठीक है मेरे भाई? है ठीक है भैया। बाकी मेरा ओके ये नंबर व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है? ज्वाइन बाकी कर जो लेता हमारा हूँ बाबा भैया, जी चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, उसका अपडेट आएगा जब भी आएगा तो, सब्सक्राइब कर दिया भैया। हाँ ठीक है भाई जी? ठीक जय है। बाबा श्री श्रीखंड महादेव जी की।